फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर, है ना, फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस देयर इज अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस बियॉन्ड व्हिच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 वेयर विल द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस। चलो अब जैसे पैरेलल रेज आ रही है तो ये कहां पे मिलनी चाहिए, ये इसके फोकस पे मिलनी चाहिए, फोकस है इसका कितना 30, तो ये फोकस पे मीट करती हुई नजर आनी चाहिए मेरे को ये यहां पर, क्योंकि बीच में मीडियम आ गया तो मिलेंगी नहीं, ऐसा अपन ने कुछ इस तरीके से दिखा दिया। है ना, ये जो लेंथ आ गई ये आ गई है कितनी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ओवरऑल पूरा एफ होना चाहिए, फोकस में मिलनी चाहिए, ये 10 दी है तो ये कितना हो जाना चाहिए 20 हो जाना चाहिए। अब देखो ये बेसिकली क्या चीज हो गई, ये अपेरेंट डेप्थ वाली चीज हो गई क्या, है ना। तो अब अगर मैं यहां पे अपेरेंट डेप्थ इसकी निकालूं तो d बाय n रिलेटिव हो जाना चाहिए, या d बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो डेप्थ आनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 अपॉन जिस मीडियम में जा रहा है वो है 3/2, तो ये कितना हो गया 20/2/3 या 10 × 3 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। तो डिस्टेंस इन्होंने लेंस से गिवन है अपने को, तो लेंस से जो डिस्टेंस आनी चाहिए वो आनी चाहिए यहां कहीं, ये अपेरेंट डेप्थ आ रही है 30 सेंटीमीटर की, तो लेंस से जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई 40 हो गई, तो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, डी ऑप्शन आ रहा है।